नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। एक बहुत ही पवित्र पर्व आने वाला है जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु आप लोगों की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। गुरु वो हैं जो आपको बनना है, आपके इस जीवन के लक्ष्य हैं। आप वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न में जन्म लिए हैं, तो जो सेकंड जो पार्ट होता है वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बैंक। दरअसल वही चीज़ें तो प्राप्त करने के लिए इस धराधाम पे आप आए हो। तो गुरु की गुरुता प्राप्त करना है, गुरु बन जाना है, और गुरु आपका भविष्य है। पंचम भाव गुरु के अंडर कष्टी में है। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा का जो पर्व आ रहा है, क्या ऐसा परिहार करें, क्या ऐसा उपाय करें जिससे बिगड़ी बातें बन जाएं, जिंदगी कुछ तो मुस्कुराए, थोड़ा तो मुस्कुराए। टू द पॉइंट आपको बातें बताएंगे, आपके राशि पे, आपके लगन पे, एक कदम पीछे वर्तमान में और भविष्य में, तीनों जगह बातें होंगी। तो कहने की आवश्यकता नहीं कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, कर रखे हैं तो आपको बहुत शुभकामना। मित्रों को भी चैनल पे आने के लिए प्रेरित करिए। तो गुरु पूर्णिमा मना कब रहे हैं पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो गुरु पूर्णिमा 2 तारीख से स्टार्ट है, 8:21 से आसपास स्टार्ट है, और दूसरे दिन ये 5:08 तक है लगभग। तो 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि हम लोग उदया तिथि को मानने वाले हैं। उदया तिथि पे ही सारे हमारे कर्मकांड चलते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा 3 तारीख को ही मनाई जाएगी। 3 तारीख को चंद्र महाराज मूल नक्षत्र में है। पॉइंट क्या है, मूल नक्षत्र में है, और गुरु मूल चीज़ों से जोड़ता है। गुरु अगर आपके ठीक है तो आपको बुद्ध बना देगा, साधना के माध्यम से बुद्ध बना देगा। और बुद्ध वो हैं कि जिनके सामने सभी नतमस्तक होते हैं। कथा ये कहती है कि स्वर्ग से देवता भी आके उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं और बोलते हैं आप बोलो। तो बुद्धत्व प्राप्त की ओर, बुद्ध बुद्धिमान बन जाने की ओर यह पर्व आपको ले जाने के लिए आया है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपके जीवन में गुरु महाराज का जो रोल है वो आप 3 तरह से देखेंगे। आपके भाग्य के घर में गुरु महाराज पुनर्वसु के स्वरूप में है। पिछले जन्म की जो एनर्जी है वो पुनर्वसु के स्वरूप में है। अदिति जो देवता है वो कौन है, अदिति। वशत्व प्रपन्ना शक्ति लेके, मतलब पूर्णता प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्रदान करने के लिए है। तो भाग्योदय में यदि बाधा हो रही है तो गुरु पूजा के साथ साथ अदिति की पूजा करिए। गुरु पूजा के साथ साथ अगर भाग्योदय में अवरोध आ रहा है तो आप क्या करिए कि एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं बांस, आजकल लोग घरों में लगाते हैं, छोटे छोटे ग्लास में, छोटे छोटे कप में, अच्छा दिखता है, चाइनीज टाइप में बांस जो है ना, वंशस्तु तो स्वयं रुद्र, जो बांस है ये रुद्र का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। तो वंश, बांस से वंश वृद्धि होती है। तो आपके वंश वृद्धि में कोई अवरोध है, आपके भाग्य बार बार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब मेहनत करने के बाद सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस वर्षा के मौसम में गुरु पूर्णिमा के दिन आप कहीं जाके बांस लगा के आइए। जैसे जैसे बांस पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, सबसे अच्छी बात क्या है बांस में, आप इसको लगा के आओ, इसको कोई पशु खाएगा नहीं, टूटेगा नहीं, एक बांस से 1000 बांस हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इसकी शाखाएं बढ़ेंगी, प्राशाखाएं बढ़ेंगी, वैसे जीवन में ग्रोथ आपका बढ़ेगा। थोड़े से गुरु पूर्णिमा बात कर लें क्या, गुरु पूर्णिमा पर मोटी मोटी सारी चीज़ें आपको पता है, कोई नई चीज़ नहीं बताएंगे। तो इस दिन आप अपने गुरु का ध्यान करिए, सुबह नहाइए धोइए, जो सिंपल सवर का इतना सारा आप लोगों को पता है। आप ब्राह्मण वर्ण की राशि में हो इसलिए सारी चीज़ें पता है। बाई कास्ट आप कुछ भी हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण है, लेकिन बाई वर्ण आप ब्राह्मण हैं। आप कर्क राशि में हैं, आप वृश्चिक में हैं, मीन में हैं, तो देखो हम लोग बोलते हैं ना, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, ये जो वर्ण है ना ये भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। राशियां और जो जातियां हैं वो हमारे आपके द्वारा बनाई गई हैं। तो भगवान वर्णवादी है, भगवान जातिवादी नहीं है। आप वृश्चिक में हैं, आप मीन में हैं, आप कर्क में हैं, किसी भी कास्ट से हैं, लेकिन वर्ण आपका ब्राह्मण है, इसलिए ज्ञान का कर्म आपको करना है। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आज खुद जानिएगा, दूसरों को भी बताइएगा।
तो यहाँ पे पूर्व जन्म की एनर्जी अगर ठीक नहीं हो रही तो ये काम करना। हाँ, तो आपके जो भी गुरु हैं, आपके गुरु तो बहुत हैं, सबसे बड़ा गुरु कौन है? जिंदगी है, जो रोज़ सिखाती है, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। दूसरा गुरु आपकी माँ, पहले गुरु आपकी माँ, फिर पिता, और आपके लाइफ पार्टनर बहुत बड़ा गुरु है, रोज सिखाता है कपड़े ठीक नहीं टांगे, ये ठीक नहीं किए, वो भी गुरु ही है। तो जीवन में जो आध्यात्मिक पथ पे ले जा सके उसको गुरु कहते हैं, सांसारिक पथ की बातें अलग हैं। आप टीचर को गुरु बोल सकते हैं, लेकिन गुरु वो है जो जीवन में आए हुए अंधकार को दूर करे। गुरु वो है जो, एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागौ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम सीधा सार्थ क्या कहते हैं कि भगवान ने कहा नहीं गुरु के चरण पढ़ो क्योंकि गुरु नहीं, बलिहारी गुरु आपने, उस गुरु की बलिहारी जाओ महाराज जो गोविंद को लाके खड़ा कर दे, ले बेटा इनके दर्शन कर, तेरा यही टारगेट है, तुझे यहीं तक पहुंचना है। ऐसा गुरु के बलिहारी जाइए, ऐसे गुरु के श्री चरणों में पड़े रहिए जो गोविंद का दर्शन करा दे, तो परमात्मा तक जो पहुंचा दे, उस गुरु की बात हो रही है। जो आपको कच्ची सातवीं आठवीं में पास करा दे वो गुरु की बात नहीं हो रही है, यहाँ आध्यात्मिक स्तर की बात हो रही है। तो आपके जो आध्यात्मिक स्तर के गुरु हैं उनको प्रणाम करिए, उनको मिष्ठान खिलाइए, उनको कोई एक वस्त्र दान करिए जो उनको पसंदीदा चीज़ हो, उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाइए। प्रणाम परिणाम को बदल देगा। आपके आसपास जहाँ भी हैं अगर कोई नहीं मिलता, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण संसार के गुरु हैं, उनसे बड़ा गुरु आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, पैदा भी नहीं होगा। तो आप उनके चरणों में प्रणाम करिए, आपके उनकी अपनी नैया उनके हाथों में डाल दो महाराज, तुम्हारा जैसा मन करता है वैसा करो। तुम हंसाओगे तो हंसेंगे, तुम रुलाओगे तो रोएंगे। जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना, आपको रोना नहीं पड़ेगा, सदैव हंसना पड़ेगा, परमात्मा आपको अपने हथेली पर ले लेगा। लेकिन हम भावना ही तो नहीं कर पाते ना, तो इस भावना के साथ परमात्मा से मिलिए और उन्हें जो भी पुष्प आप चढ़ा रहे हैं इस दिन पीत रंग के पुष्प चढ़ाइए, पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, पीले रंग की माला चढ़ाइए, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करिए, पीला चावल से अच्छत पीला चावल का करिए और स्वीट भी पीले उनको खिलाइए। आप इस दिन भगवान को खीर जरूर खिलाइए, खीर में थोड़ा केसर डाल के खिलाइए, सुंदर परिणाम मिलेगा। ठीक, हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों पे, टू द पॉइंट। आपके कुंडली में गुरु महाराज आपके विगत जन्मा में हैं, तो विगत जन्म की जो एनर्जी है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको अदिति मतलब सूर्य नारायण का ही स्वरूप है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। और चूंकि यह पूर्णता देने का नक्षत्र है तो पूर्णता आपको प्राप्त तभी होगी जब इनकी आप कृपा प्राप्त करोगे। उसकी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए मैंने पौधा बता दिया, वो करिए आप, बेहतर होगा। दूसरा, आपका विशाखा जो नक्षत्र है वो आपकी कुंडली में आपके लगन में प्रथम पार्ट में चल रहा है। विशाखा मतलब विशेष शाखा, विशाखा मतलब विशेष शाखा में बटने के लिए है। इस पर व्यापना शक्ति है, कौन शक्ति है? व्यापना। आपको गर्भाशय से रिलेटेड परेशानी है, आपको गुप्त इंद्रियों से रिलेटेड परेशानी है, गुप्त बीमारियां हैं, जननेन्द्र रिलेटेड परेशानी है। आप जो है ना, लगता है कि सब कुछ होने के बाद आपका मान सम्मान नहीं मिल रहा, आपके अंदर क्वालिटी तो है, क्षमता तो है, लेकिन उतना आगे नहीं जा पा रहे हो जितना जाना चाहिए। तो आप इस पूर्णिमा के दिन नाग केसर का पौधा जरूर आरोपित करिए, नाग केसर का पौधा जरूर आरोपित करिए। ये देखिए राधा नक्षत्र इसको बोलते हैं ना, ये राधा के पहले का नक्षत्र है। ठीक, तो राधा की उपासना जरूर करिए। दरअसल राधा बहुत व्यापक वर्ड है, एक वर्ड है सिंपल से बताऊँ आपको, धारा, धारा समय की धारा, और समय की धारा को जब आप पलट दो ना वो हो जाता है राधा, धारा राधा, बहुत टेक्निकल वर्ड है। भगवान कृष्ण इसी समय की धारा को पलट के आत्मसात कर लिए तो जीवन में राधा प्रकट हो गई। खैर, तो इसको इसके शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको इंद्र की उपासना करनी चाहिए, इंद्रदेव की आराधना करना चाहिए। और अंत में जीवन को पूर्ण करने के लिए, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, जिस उद्देश्य के तहत आए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, संसार में हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, कभी विचार करिएगा तो लगेगा यार चाहे 60x80 का प्लाट खरीद ले, चाहे 200x200 का खरीद ले और हमारे मरने के बाद निधन ही होगा। बड़े आश्चर्य की बात है, जिनके लिए हम पूरे जीवन भर भागते दौड़ते रहते हैं। जैसे आप मरिए भाई साहब, मरने के बाद स्थितियाँ देखिए, लोग सीधे पहले फ़ोन करते हैं कितने बजे बाड़ी जाएगी। ठीक, जो आपके बहुत क्लोज लोग होते हैं फ़ोन करके पता कर लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी शव यात्रा में सम्मिलित हो, वहाँ पे चिता जल्दी से जल्दी जला दी जाए और तब तक व्हाट्सअप खेलते रहते हैं। आपके बारे में 10-5 अच्छी बातें होती हैं, उसके बाद लौट आते हैं। कौन आपके लिए बसता है? बीवी बच्चे, क्योंकि उनको सामाजिक परंपरा में रहना है,
10-15 दिन एक बार बढ़िया से आपके तिरही कर्म किया जाएगा। अगले साल जो आपका वार्षिक श्राद्ध होगा छोटा मोटा किया जाएगा, उसके अगले साल बहुत हल्के में किया जाएगा, तीसरी बार बोलेंगे कि हम पहुंच ही नहीं सकते, 2 साल में आपको लोग भूल जाएंगे। इस संसार के लिए हम सब कुछ लगा देते हैं परमात्मा को भूल के, तो हम मैं कौन हूँ, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको उसमें मुझमें क्या अंतर है, इसका सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। को हम कुतो आयता, को मैं जन्नी, को मैं ताता, इसका विचार करना है। अगर आप इस वर्ण में पैदा हुए हो, ठीक है ना, तो आपका अंतिम जो नक्षत्र है, अंतिम मतलब भविष्य का नक्षत्र है, अंतिम का तात्पर्य भविष्य का नक्षत्र है। भविष्य का नक्षत्र वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए जिसकी देवता है ना, बड़े अजीब से देवता है, नाम है इनका अजैक पद, ठीक है ना। अजैक पद आप देखोगे तो जैसे चाइना वाले बनाते हैं ना देवता, वैसे दिखाई देंगे। इनके एक पैर हैं, 4 भुजाएं हैं, इनका स्वरूप जो है थोड़ा सा विकराल है। दरअसल यह रुद्र के स्वरूप है। क्या है? रुद्र के स्वरूप है। और जो अंत है ना, वो तो रुद्र के हाथ में ही है। भगवान शिव तो कल्याणकारी हैं, लेकिन जो उनका रुद्र रूप है वो सभी चीज़ों को नष्ट करके, ख़त्म करके, जला के, भस्म करके, तेरा तुझको अर्पण, सबको समाप्त करके, शुद्ध करके आपको आगे ले जाएगा। तो अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे रुकी हुई है, अच्छा आप किस एनर्जी को लेकर पैदा हो पता है, किस चक्र पे आपकी एनर्जी खड़ी हुई है, आप इस राशि में, इस नक्षत्र में, नक्षत्र के अनुसार आप जान सकते हैं किस चक्र में आपकी एनर्जी फंसी हुई है। इस पर एक स्वतंत्र वीडियो बना के आपको देंगे। आपकी राशि में बहुत लोगों को शिकायत रहती है किसी राशि पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, पता नहीं क्यों आपकी राशि से एक अजीब सा लगाव है, मज़ा आता है, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता आपकी राशि बताने के लिए। तो इस पर बहुत जल्दी 2-3 वीडियो, और जल्दी तो नहीं होगा, 1-1.5 महीने लगेंगे, क्योंकि मैं अभी यात्रा पे निकलने वाला हूँ देशाटन पे। खैर, तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं, आप जा रहे हो पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद मतलब ज्ञान के द्वारा चीज़ों को समेट लेना। किसके द्वारा? ज्ञान के चक्षु से चीज़ें छूटने ना पाए, जो अंतिम यात्रा के लिए अति आवश्यक है, उन चीज़ों को इकट्ठा करने का जो नक्षत्र है उसका नाम है पूर्व भाद्रपद। सांसारिक जगत की बात नहीं हो रही है, बात आध्यात्मिक जगत की हो रही है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक आपकी उन्नति हो, तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को आम जरूर अर्पित करिए, आम खिलाइए, आम दे के आइए। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, दिखती बहुत छोटी हैं लेकिन मज़ा बहुत है। आप जिस मोबाइल से देख रहे हो भाई साहब, इसका मोबाइल का सिम भी बहुत छोटा है, इतना छोटा है, लेकिन सिम निकाल दो तो काम करेगा क्या? पूरा मोबाइल केवल गेम खेलने के काम आएगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ें जितनी देखी दिखती हैं उतना ज़्यादा असरदार होती हैं। आपकी आत्मा भी तो बहुत छोटे में है, प्राणवायु तो भी छोटे में है, आपके पूरे शरीर में नेत्र भी तो छोटे में है। इसलिए छोटी चीज़ समझ के मत समझिएगा कि अरे जी ये क्या होता है, इसका असर पड़ता है। तो गुरु को अच्छा श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए, जीवन में अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करिए, आम का पौधा लगाइए। आम के पौधे ऐसी जगह लगाइए, खुले जगह पे लगाइए, जहाँ पे ज़्यादा। अब गमले में लगा लोगे तो गमले में कितना विकास होगा? अब जब गमले में उसका पौधे का इतना विकास नहीं होगा तो आपको विकास कहाँ से होगा? तो गुरु पूर्णिमा पे ये सारी चीज़ें करिए, गुरु पूर्णिमा पे ये सारी चीज़ें करिए, और अपने गुरु के मंत्रों का जाप करिए। आपके गुरु नहीं हैं तो गुरु के मंत्रों का जाप करिए, नहीं तो भगवान कृष्ण को गुरु मान के उनका जाप करना शुरू करिए, रास्ता तो दिखाई देंगे महाराज। वो 18 छोड़ी सेना में बीच में खड़े होकर जिसको रास्ता दिखाना होता है उसको दिखा देते हैं, ठीक। तो आपको रास्ता क्यों नहीं दिखाएंगे, आपको भी रास्ता दिखाएंगे। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु पूर्णिमा एक विशेष अवसर लेके आ रही है। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागे, आगे बढ़िए। आपके लिए हमारी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएँ, क्योंकि मुक्ति के लगन, मुक्ति के राशि में पैदा हुए। राधे राधे कहना पड़ेगा। हर हर महादेव।